वाकई में आपका ये ड्रीम होम है। हाय गाइस, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आकार इंफ्रा सर्विसेज में। आज हम खड़े हैं एकदम पिंपरे सौदागर के नजदीकी लोकेशन पे, जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं पिंपरे सौदागर रहाटनी एरिया एंड इवन पिंपरी एरिया भी। इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपको 40% ओपन स्पेस मिलने जा रहा है। जी हाँ, बहुत ही स्पेशियस आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, काफी लग्जरियस अपार्टमेंट्स यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं कारपेट एरिया की बात करूँ तो आपको 2, 3 and 4 BHK मिलेंगे एंड 3 BHK में आपको मिलेंगे वेरियंट्स। अगर आपको 1100 का कारपेट चाहिए वो भी मिल जाएगा, अगर आपको 1300 प्लस के कारपेट एरिया चाहिए वो भी मिल जाएगा, इवन 4 BHK भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा, बहुत स्पेशियस मिलेगा, वो भी कंबाइन ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं, एक प्रॉपर 4 BHK कैसा होना चाहिए वो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको मिलेगा विद स्पेशियस रूम साइजेस एंड ऑल। सो बढ़ते हमारे 3 BHK की शो फ्लैट की तरफ। इसका कारपेट एरिया आपको मिल जाता है 1100 का। सबसे पहले मैं आपको इसका एंट्रेंस लॉबी दिखा देना चाहती हूँ, जो काफी अच्छा मिल रहा है, काफी बढ़िया मिल रहा है। आपको 9x4.11 का आपको एंट्रेंस लॉबी मिल जाता है। जैसे आप डोर देख रहे हैं एज इट इज वाइड है काफी ये डोर, और उसके बाद आपको डिजिटल डोर लॉक मिल जाता है। बढ़ते हमारे लिविंग एंड जो दूसरे बेडरूम है उनकी तरफ। ये है आपको मतलब मिल रहा है लगभग बटरफ्लाई कंसेप्ट। इसके लिए इसके राइट मेरे राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा आपका मास्टर बेडरूम या फिर आपको बेडरूम नंबर 1, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 2 बेडरूम और मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपका फर्स्ट बेडरूम दिखा देना चाहूंगी। एंटर करने से पहले आपको यहाँ पे एक वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस मिल रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। आपको जस्ट आपको वार्डरोब यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे बेडरूम की तरफ। बेडरूम आप देख रहे हो आपको काफी बढ़िया मिल रहा है एंट्रेंस लॉबी के साथ में, मतलब बेडरूम में भी आपको एक एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है स्पेशियस सी। उसके बाद आपका वहां पे मेरे सामने की तरफ आ जाता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की साइज काफी बढ़िया मिल रही है, काफी बड़ी मिल रही है, सेंटर फिटिंग काफी ब्रांडेड यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है स्टडी टेबल, आप स्टडी टेबल वहां पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसके बाद इस बेडरूम की मैं आपको खासियत दिखा देना चाहती हूँ। इसका ये जो यहाँ पे जो स्पेस आप देख रहे हैं, आपको एक अच्छा सा स्पेस मिल जाता है। आपको स्टडी रूम अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप आपका टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, काफी बढ़िया आपको मिल जाता है। उसके बाद मैं इसको दिखा देना चाहूंगी जो आपका टेरेस एरिया जो इसी के अटैच है, आप यहाँ से भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इवन आपका जो स्टडी टेबल है या फिर जो स्टडी रूम है वहां से भी नॉर्मली एक्सेस कर सकते हो। इसकी साइज की अगर मैं बात करूँ लगभग आपको 16x5 का या 6 के आसपास का आपको मिल जाता है साइज टेरेस का। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो आपको एक स्पेस मिला हुआ है प्लांट रखने के लिए। सच में कोई भी जो डेवलपर है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पे काफी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे ये रेलिंग देख रहे हैं, ये रेलिंग आपको सेम ब्रांड का मिल जाएगा और काफी ब्रांड वाइज बहुत अच्छा, अगर आप इसे फील भी करते हो तो काफी अच्छा आपको मिल रहा है। उसका जैसे आप यहाँ पे आपके टेरिस एरिया में एंटी स्किड टाइल्स देख रहे हो, वो आपको वुडन का यहाँ पे टाइल मिल जाता है। मतलब ये भले बारिश हो या कुछ भी हो, आप यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पर्पज ये देखा जाता है, कोई गिर नहीं सकता उसके लिए। बढ़ते हमारे लिविंग एरिया की तरफ, यहीं से हम एक्सेस हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो टेरेस है आप नॉर्मली एक्सेस कर सकते हो आपके बेडरूम से भी एंड इवन आपका लिविंग एरिया से। लिविंग एरिया की अगर मैं बात करूं आपको काफी बढ़िया यहाँ पे लिविंग मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं आपका सोफा सेट हो गया, 5 सीटर आराम से मिल गया है, लग गया है। उसके बाद आपका मिडिल टेबल आ जाता है एंड मेरे लेफ्ट की तरफ आ जाता है आपका टीवी यूनिट। मतलब आप देख रहे हो काफी ऑर्गेनाइज्ड है, उसके बावजूद भी आपको बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी आपके स्पेस की। मतलब आप बोल सकते हैं कि कंजेस्टेड है, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे लिविंग, जो लिविंग को ही अटैच जो डाइनिंग स्पेस है उसका। डाइनिंग एरिया हमने यहाँ पे जो सेट किया हुआ है लगभग 6 सीटर हमने सेट किया हुआ है, काफी अच्छा स्पेस है, काफी अच्छा लुक लग रहा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे किचन एरिया की तरफ। किचन में एंटर करने से पहले मैं आपको इसका जो स्पेस दिखा देना चाहती हूँ, काफी वाइड डोर यहाँ पे लग सकता है। अगर किसी को पसंद नहीं होता है कि किचन में क्या चल रहा है, वो लिविंग एरिया में नहीं दिखाना चाहते, प्राइवेसी वाइज काफी अच्छा है। उसके बाद देख रहे हो आपको कितना बड़ा यहाँ पे जैसे कि आप किचन एरिया देख सकते हो, काफी स्पेशियस आपको मिल जाता है, एल शेप का किचन एरिया मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है फ्रिज का पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है बेसिंग एंड आपका वॉशिंग मशीन का यूनिट। तो भी आप स्पेस देख रहे हो काफी बढ़िया आपको मिल जाता है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया गया है प्रॉपर, मतलब जो आपका किचन एरिया रहेगा उसमें भी एकदम सनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। फिर बढ़ते हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ, मैं बेडरूम दिखा देना चाहूंगी आपको।
ये आपका आ जाता है सेकेंड बेडरूम जो काफी स्पेशियस है, एक्चुअल में काफी स्पेशियस, आप सामने से देखोगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है जो विंडो है वो आ जाता है, नीचे से फिक्स्ड है एंड ऊपर से जो रहेगा आपका स्लाइडिंग रहने वाला विथ मॉस्किटो नेट। उसके बाद भी यहाँ पे आप देख रहे हो आपको ये वार्डरोब जो पता भी नहीं चल रहा है, वार्डरोब के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ, जस्ट आपको आपका वार्डरोब लाना है एंड उसे यहाँ पे सेट कर देना है। यहाँ पे आपका आ जाता है बेड एंड इस तरफ आपका आ जाता है स्टडी टेबल, तो भी स्पेस है ना वो काफी अच्छा आपको मिल रहा है। उसके बाद में इसका जो फर्स्ट कॉमन वॉशरूम है जो वो दिखा देना चाहूंगी। सबसे पहले इसका वॉश बेसिन आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो हमने सेंटर फिटिंग यूज करी वो काफी ब्रांडेड यूज की है, काफी रिच लुक वाले यूज किए हुए हैं। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम भी आपको एक काफी अच्छा मिल रहा है, काफी बड़ा मिल रहा है, स्पेशियस मिल रहा है। यहाँ की यूएसपी ये है कि आपको काफी बड़े बड़े रूम साइजेस मिलने वाले, जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है घर से काम करना है उसके लिए हमें बड़ा बेडरूम चाहिए, हमारा फैमिली बड़ा है उसके लिए हमें बड़ा बेडरूम चाहिए, तो ये वाला प्रोजेक्ट आपके रिक्वायरमेंट में परफेक्टली बैठने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है बेड, आप किंग साइज का लगा दो या क्वीन साइज का लगा दो, आप आपके हिसाब से रियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है आपका विंडो, फुल साइज का विंडो आ जाता है, नीचे फिक्स रहने वाला है, ऊपर से स्लाइडिंग रहेगा मॉस्किटो नेट के साथ में। उसके बाद आपका वार्डरोब भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ, हमने जस्ट आइडिया दिया हुआ है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। एक उधर आपका वार्डरोब सेट होता है, दूसरा यहाँ पे आपका वार्डरोब सेट हो जाता है। ये हमने डिजाइन किया, बट अगर आप जैसा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद इसका अटैच वॉशरूम दिखा देना चाहूंगी मैं। वॉशरूम आपको इतना अच्छा मिल रहा है, इतना बढ़िया मिल रहा है, इतना स्पेशियस मिल रहा है, एक्चुअल में इतने बड़े वॉशरूम नहीं है अभी मार्केट में, बट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है, आप देख रहे हो फ्लैट, अगर आपको 1100 का कारपेट चाहिए तो भी मिल जाएगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपको 1300 का कारपेट एरिया चाहिए वो भी मिल जाएगा, अगर आप प्रॉपर 4 BHK बिना कंबाइन का ऑप्शन देख रहे वो भी चाहिए वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। हर एक चीज यहाँ पे मिलने जा रही है, तो देर किस बात की, अगर आपने घर बैठ के ही जैसे वीडियो तो देख लिया, मतलब टूर तो कर लिया, आपको यहाँ पे काफी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी, आपको स्पेसिफिकेशन A1 मिल रहा है, आपको जो ओपन लैंड है वो काफी अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे हाई रिस्क जो टावर है वो मिल रहा है। अगर आप बोल रहे हो नहीं मुझे रूफ टॉप एमिनिटीज नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल की एमिनिटीज मिलेगी, मतलब जैसा प्रोजेक्ट आपको चाहिए, आपकी फैमिली को चाहिए वैसा ही मिल रहा है, तो फिर देर क्यों कर रहे हैं, आपने वीडियो तो देख ही लिया है, टूर तो कर ही लिया है, तो यहाँ पे आकर शेड्यूल कर दीजिए आपका विजिट। यहाँ पे अभी फिलहाल टोकन चालू है, बुकिंग चालू नहीं हुए है, तो अगर आप ये चांस को नहीं छोड़ना चाहते, अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहते, तो जल्द से जल्द यहाँ पे आइए और विजिट कर लीजिए। अगर इसके बारे में लोकेशन जानना चाहेंगे, फिर इसके बारे में और भी आपको क्वेश्चन आते होंगे, लाइक इसका पोजिशन एंड प्राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए, मैं वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगी और उसके बाद आप जल्द से जल्द आके देख सकते हैं। तो फिर अगर अब तक आपने मेरा वीडियो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।